तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं बीसी सखी को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों क्या बीसी सखी बहनों को 75,000 रुपये पर ब्याज देना होगा? दोस्तों क्या बीसी सखी बहनों की बात उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मानी जाएगी? बात का सेंस यहाँ पर है दोस्तों, 75,000 रुपये पर लगने वाले ब्याज को मुक्त करना और जो भी 4,000 रुपये का मानदेय है जो बीसी सखी बहनों को अभी तक नहीं मिला है वो कब तक मिलेगा? इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक सीक्रेट भी बताऊंगा जो वीडियो के अंत में बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल में बीसी सखी बहनों से निकल कर एक खबर सामने आ रही है। तो दोस्तों बस एक निवेदन करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला सवाल है कि 75,000 रुपए पर ब्याज कब से लगेगा? दोस्तों जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश बैंकिंग कॉर्पोरेट सखी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश बैंकिंग ढांचागत क्रम को मजबूती प्रदान करने के लिए की गई है। दोस्तों 75,000 रुपए पर ब्याज जिस दिन आपके समूह के खाते में 75,000 रुपए जमा हो गया है, चाहे आप उससे पैसे निकालें या ना निकालें, चाहे आप डिवाइस खरीदें या ना खरीदें, आपका ब्याज 4% वार्षिक लगना शुरू हो गया था। दोस्तों क्या 4% का ब्याज वार्षिक होगा और कितने रुपए होगा? दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 75,000 रुपए जो भी सरकार के द्वारा आपको ऋण दिया गया है, 75,000 रुपए का 4% 3,000 रुपए बनता है जो एक साल का ब्याज होता है, यानी 250 रुपए आप हर महीने जमा कर सकते हैं। बात आती है कि उस ब्याज को जमा कहाँ करना है। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ उस ब्याज को आपको समूह के खाते में जमा करना, यानी ब्याज जिसमें आपको जमा करना, जिसमें आपके 75,000 रुपये आए थे, यानी ब्याज आपको समूह के खाते में जमा करना है, क्योंकि आपका 75,000 रुपये सरकार के द्वारा आपके समूह के खाते में भेजे गए थे। दोस्तों अगर आपकी कमाई कमीशन से नहीं हो रही तो आपको क्या करना चाहिए? ज़्यादातर बीसी सखी बहनें इस बात से चिंतित हैं क्योंकि उनका कमीशन भी उतना नहीं हो पा रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप अपने पार्टनर बैंक एजेंसी के पास जाइए और वहां से कमीशन का चार्ट ले आइए और आप पैसे आधार कार्ड से सिर्फ ट्रांसफ़र ही मत करिए, अपने ग्रामीण भाइयों और बहनों को इंश्योरेंस, बीमा और भी कई प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि उसमें आपको कमीशन ज़्यादा है। पैसे ट्रांसफ़र करने के बदले आपको कई सारे बीमा प्रोडक्ट बेचना या फिर FD करवाना या फिर और भी कई तरीके के उत्पाद हैं जो बैंकों के हैं, अगर उस पर आप काम करते हैं तो आपको बड़े आसानी से अच्छा खासा कमीशन मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही। वीडियो के अंत में जो मैं आपको सीक्रेट बताने वाला था, सीक्रेट ये है कि चुनाव को ध्यान में रखकर फैसला बीसी सखी बहनों के पक्ष में आएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है बीसी सखी बहनें लखनऊ पहुँच चुकी हैं, कुछ बहनें लखनऊ बाया ट्रेन पहुँच रही, कुछ लोग बाया बस पहुँच रही हैं। बाकी दोस्तों अब मुख्यमंत्री कार्यालय जाने की तैयारी बीसी सखी बहनों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सरकार को इससे पहले कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है लेकिन ज्ञापन का कोई भी समाधान नहीं मिलने से बीसी सखी बहनें काफ़ी परेशान हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं मुझे मोटिवेशन मिलता ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही बताना था कि बीसी सखी बहनों की जो मांग है 75,000 रुपये को ब्याज मुक्त किया जाए और 4,000 रुपये मानदेय नियमित तौर पर सभी बीसी सखी बहनों को दिया जाए, क्योंकि आने वाले इस समय में महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि आजीविका चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बस मेरे अगर इस चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।